नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेपी पावर के रिजल्ट्स का, देखेंगे कि उनके रिजल्ट्स कैसे रहे, उस पर अपना पर्सनल ओपिनियन देंगे और चार्ट के माध्यम से इनका एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, इस पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स देते हैं। साथ ही दोस्तों, मार्केट की इन्वेस्टमेंट रिस्क के अधीन होती है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। तो ये दोस्तों, मैंने रिजल्ट्स आपके बीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किए, अभी ये 7:04 पे आए हैं। तो आइए अब हम और आप साथ में इनके रिजल्ट्स को देखते हैं। तो डिविडेंड की तो दोस्तों कोई न्यूज मुझे दिख नहीं रही है, तो ये इनके स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड इन्होंने साथ में ही देख कर दिए हैं एक ही उसमें। तो आइए हम साइड बाय साइड सबको कंपेयर कर लेते हैं। तो फिगर्स एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि जेपी पावर में एक ही कंपनी है, तो आप चाहे स्टैंड अलोन देखें या कंसोलिडेटेड देखें, कोई इसमें खास मेजर अंतर है नहीं। तो आइए अब हम रिजल्ट्स देखते हैं। तो इनका रेवेन्यू देखिए दोस्तों, सारे फिगर्स लैक्स में है, तो 95,000 लाख से बढ़ के 1.06 लाख हो गया है, तो करीब करीब 10% इनका रेवेन्यू बढ़ा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप अगर देखेंगे तो मामूली बढ़त हुई है, 3.35 से 3.43 हुआ है। पिछले साल के इस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो हाँ, जरूर आपको 30-35% की ग्रोथ दिखेगी। एक्सपेंसेस की दोस्तों अगर मैं बात करूं, तो अब की बार के इनके एक्सपेंसेस रहे हैं 93,000 लाख के आसपास, पिछली बार भी करीब करीब यही थे। ईयर ऑन ईयर बेसिस में जरूर उनके एक्सपेंसेस में थोड़ी गिरावट हुई है। सबसे अच्छी खबर दोस्तों क्या है, यहां पे आप देखिए, पिछले साल ये कंपनी आपकी लॉस मेकिंग थी, यहां देखिए 2,68,000 लाख का इन्होंने लॉस पोस्ट किया था और अब की बार इन्होंने 47,000 लाख की प्रॉफिट पोस्ट की है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि कंपनी पिछले साल इतने लॉस में थी और अब की बार प्रॉफिट है। तो हो सकता है ये शेयर अभी 5 के आसपास है, तो 10-15 रुपए तक ये शेयर अगले 1 से 2 महीने में हो सकता है चला जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखेंगे तो भी देखिए, कहीं 17 से 18 टाइम्स इनकी प्रॉफिट बढ़ गई है, ये बिफोर टैक्स के नंबर है। और अगर आप आफ्टर टैक्स देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए टोटल प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, तो यहाँ पे देखिए 2,290 लाख का इन्होंने पिछले क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया था, अब की बार 33,000 लाख की प्रॉफिट पोस्ट की है। और सेम यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके रिजल्ट्स दोस्तों ऑन पेपर बहुत ही बेहतरीन है, और खासकर कंपनी जब लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में जाती है तो वो एक कंपनी के लिए अच्छा साइन होता है। तो ओवरऑल दोस्तों, इनके रिजल्ट्स मुझे पर्सनली पसंद आ रहे हैं, और यही हो सकता है रीजन हो कि इतना इसमें रिसेंट में राइज भी हमें देखने को मिला है, क्योंकि एफआईज और जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कई बार पहले ही चीजें पता चल जाती है। आइए दोस्तों, अब हम इसको चार्ट पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्टॉक ने कितनी अच्छी राइज दिखाई है आपकी अप्रैल मंथ से लेके, अगर मैं अभी तक देखूं तो इसने करीब 2 महीने में पैसा डबल कर दिया इन्वेस्टर्स का। अगर मैं इसका रिसेंट का 5 डे का चार्ट देखूं तो एज सच इसमें गया है ऊपर फिर नीचे गया, तो एक साइड की ग्रोथ नहीं है। तो अब इस स्टॉक में हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? कंपनी में नो डाउट पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, बट कितना इसका इम्पैक्ट रहेगा वो हमें नहीं पता। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप दोस्तों इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिएगा 4 रुपये के पास का, और जो हमारे टारगेट्स रहेंगे दोस्तों वो इसमें 6 रुपये और 10 रुपये तक के टारगेट्स रहेंगे, क्योंकि पेनी स्टॉक है तो आप अपने स्टॉप लॉसेस को जरूर ट्रेल करिएगा और इन्वेस्ट विद स्मॉल अमाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि आपका पैसा जाए भी तो ज़्यादा ना जाए। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस इनके रिजल्ट्स को लेके, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बनेगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।